हम सब जानते हैं कि देश अब सूखे की परिस्थिति से जूझ रहा है। महाराष्ट्र के कई गांव, कई इलाके सूखे की भयंकर चपेट में हैं। मराठवाड़ा के कई इलाके, खासकर लातूर, बीड और अहमदपुर के आसपास के गांव में एक बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। नदी, तालाब सब सूखे पड़े हैं। अबोल पशु पक्षी एक बूंद पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पक्षियों के लिए एक भी डाल पे पत्ता नहीं बचा जहां पर वो अपना घोंसला बना सके। ऐसे में इंसान को थोड़े से पानी के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में पशुधन कहां जाए? यही सब देखकर, परिस्थिति की गंभीरता को जानकर विश्वामैत्री ट्रस्ट मुंबई संचालित अहिंसा संघ द्वारा मुफ्त चारा छावनी का आयोजन किया गया है, जिसके पावन प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक है अहिंसा संघ के सूत्रधार परम पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज साहेब एवं परम पूज्य क्रांतिकारी जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज साहेब। लातूर से करीब 100 किलोमीटर दूर अहमदपुर जिले का एक छोटा सा गांव घसवाड़ी, जहां के निवासी ज्यादातर गरीब किसान हैं, जिनकी अपनी पशुधन को संभालने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इनकी आमदनी का जरिया खेती के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे कठिन वक्त में एक कल्प वृक्ष के समान परम पूज्य क्रांतिकारी जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज साहेब ने इस मुफ्त चारा छावनी का आयोजन करने की प्रेरणा दी। इस छावनी में करीब करीब 700 से 800 पशुधन की देखभाल की जाती है। यहां के पशुधन भी मानो प्रेम का संदेश देते हैं। पशुधन को धूप से जूझना ना पड़े, इसलिए छांव का प्रबंध किया गया है। चलिए यहां के कार्यकर्ताओं से जानते हैं इस छावनी के बारे में। आपके गांव में ये जो छावनी चल रही है, इसका आयोजन कैसे हुआ और कौन कर रहा है? परम पूज्य क्रांतिकारी जैन मुनि श्री विनम्र सागरजी महाराजांच्या प्रेरणेने चालू झालेला आहे आणि अहिंसा संघाने इथे आयोजित केलेला आहे। इस संस्था के बारे में कुछ बता पाएंगे? यह अहिंसा संघ करके विश्व मैत्री ट्रस्ट संचालित अहिंसा संघ है। यह संस्था अलग अलग गांवों में जाके गाय की रक्षा करती है। गाय के रक्षा के बावजूद संस्कृति रक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, और इसके बावजूद भी गरीब किसान को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं और किसान की क्या जरूरत वस्तु है, उस वस्तुओं तक यह अहिंसा संघ पहुँचता है। क्या ये सब पशुधन एक ही गांव का है? ये आसपास के 15 गांवों के पशु है। छोटे बड़े 15 गांवों के पशु यहाँ पे आए हैं। और कितने पशु है? करीबन 700 से 750 के आसपास पशु है। इतने पशुओं की देखभाल के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, साफ सफाई से लेकर चारा देना और पानी देना, ये सब आयोजन पूर्वक सुचारू रूप से हो रहा है। और जब हमने ये बात इस गांव के लोगों से जाननी चाहिए कि वो लोग श्रमदान कर रहे हैं, तब हमें बताया गया कि इस इलाके में पिछले 2 साल से बारिश न होने से अकाल की परिस्थिति हो रही है और इसी वजह से
गांव के लोगों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा। अब इस छावनी की वजह से काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम शहर में रहने वाले रोज सुबह मंदिर जाते हैं, 5-10 रुपए का गाय को चारा भी देते हैं और खुश होते हैं कि हमने पुण्य का काम किया। तो जरा सोचिए, इतने पशुओं को रोज का चारा और पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध कर अहिंसा संघ कितना पुण्य बांध रहा है। छावनी है पशुओं की, वहाँ पे कितने पशु हैं, कितना चारा लगता है और कितना पानी लगता है? इतने छावनी में जवरपास 700 से 800 पशु हैं। इस छावनी में करीब 700-800 पशु हैं। हर पशु को दिन में 40 लीटर पानी और 10 किलो चारा लगता है। परिस्थिति विषम है, राह कठिन है, पर पूज्य श्री के विचार अटल है। सदियों से भारत वो अहिंसा में विश्वास रखने वाला देश है। एक समय था जब भारत के अंदर दूध और दही की नदियां बहती थी, और आज एक ऐसी विषम परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि इसी भारत के अंदर खून की नदियां बहती हैं। जो भारत अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दे रहा था, वही भारत के अंदर आज हिंसा पूरी पनप रही है। जो भारत के अंदर एक कतलखाना सालों पहले मौजूद नहीं था, आज उसी भारत के अंदर हजारों कतलखाने बन रहे और दिन प्रतिदिन वो कतलखाने बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय परंपरा जो पशु आधारित संस्कृति के ऊपर चलने वाली एक संस्कृति थी, आज वहीं पे पशुओं का खात्मा होते जा रहा है। और इसी परिस्थिति के कारण भारत दिन प्रतिदिन अपनी पशु संपदा को खोते जा रहा है। जो भारत की संस्कृति अपने देश में गाय को, गौवंश को माता का दर्जा दिया जाता था, वही गौवंश की कतर भारत के कई राज्यों में आज भी चालू है। एक वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के अंदर गौवंश हत्या प्रतिबंध कानून पारित हुआ, और तब से गौ रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्य अनेक संस्थाओं के द्वारा चल रहे हैं। गौ रक्षा और पशु रक्षा ये हमारे अबाधित संस्कार है, और उसी संस्कारों की रक्षा करने के लिए अहिंसा संघ के द्वारा लगभग 2 वर्षों से लातूर जिला अहमदपुर तालुका के अंदर अनेक प्रकार के अहिंसा के कार्य, अनेक प्रकार के संस्कृति रक्षा के कार्य चल रहे हैं, और उसी कार्यों के अंतर्गत हजारों लोगों को शाकाहार का महत्व समझाया जाता है और उनको मांसाहार से दूर कर शाकाहार के अंदर जोड़ा जा रहा है। लगभग 1200 से 1500 लोगों ने शाकाहारी बनने की प्रतिज्ञा ली है। गांव गांव के अंदर अहिंसा सभा का आयोजन हो रहा है। भगवान महावीर का संदेश लोगों तक, उनकी भावनाओं तक पहुंचाया जा रहा है, और लोगों के हृदय इस भावना से प्रदीप्त होकर ये अहिंसा के अंदर जुड़ते जा रहे हैं। उसी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए गत वर्ष धसवाड़ी गांव के अंदर छोटी सी पशु रक्षा कैंप यानी कि कैटल कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर लगभग 200-250 पशुओं को 1 से 1.5 महीने तक चारा खिलाया गया था। और इस वर्ष जिस प्रकार से दुष्काल के अंदर पूरा महाराष्ट्र तड़प रहा है, महाराष्ट्र का पशुधन तड़प रहा है, महाराष्ट्र का किसान तड़प रहा है, ये देखकर, ये सुनकर, वहां के लोगों की बातों की जानकारी से, जिस प्रकार से उनके दुख और दर्द को सुनते हृदय कांप उठता था कि कुछ तो उनके लिए किया जाए। मुंबई के अंदर या सिटियों के अंदर बैठकर 3 टाइम खाने वाले जब उस गांवों के अंदर जाएंगे, तब उस किसान के दर्द को समझ पाएंगे। जो पशु
पूरे दिन भटकते हुए पानी का एक बूंद नहीं पाता है, उस पशु की तड़पन क्या होगी। उस पशु को अपने पेट भरने के लिए कहां कहां घूमना पड़ता है, कहां कहां मुंह डालना पड़ता है, उसकी तड़पन क्या होगी। किसान अपने पशु को यूं ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसको खाना नहीं खिला सकता। वो सालों तक जिस गाय के साथ, जिस पशु के साथ संबंध बनाया हुआ, उसको छोड़ते वक्त जो वेदना होती है, वो तड़पन क्या होगी, वो शहर में बैठ के समझना बहुत कठिन है। उसके लिए जाना पड़ेगा उस गांवों के अंदर जो इस वेदना में से गुजर रहा है। गांव की नदियां, तालाब सब सूख गए हैं, यहां तक कि कुएं भी सूख गए हैं। कहते हैं जल है तो जीवन है, जब जल ही नहीं है तो जीवन की कल्पना कैसे करें। जहां तक नजर जाती है सूखे पेड़, उपजाऊ लेकिन सूखे खेत दृश्यमान होते हैं। गर्मी इतनी है कि इंसान तो इंसान, मशीन भी जवाब दे देती है, मानो कि जीवन की गति रुक जाती है। ऐसे में इस छोटे से गांव के लोग इस चारा छावनी के बारे में क्या कहते हैं। आपल्या गावामध्ये चार वर्षे झाले पाऊस पाणी नव्हतं, आता दोन वर्षे झाले। इस इलाके में चार साल से बारिश नहीं आई, पानी बिल्कुल नहीं था। आज दो साल हो गए छावनी बनाई गई है, इस वजह से पूरा गांव, इलाके के सभी लोग खुश हैं। इनके पशु धन को चारा मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। परम पूज्य जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज साहेब के आशीर्वाद से पिछले दो साल से सभी समस्याओं से मुक्त हो गए हैं। पहले इस इलाके में पीने के लिए पानी नहीं था, आज इन्हें ये सुविधा मिल रही है। दिन में दो से तीन बार पानी के टैंकर आते हैं, पानी की समस्या दूर हो गई है। इस विश्व मैत्री ट्रस्ट संचालित अहिंसा संघ ने इस गांव में 2000 बच्चों को सितंबर महीने में स्वेटर वितरण किया। बारिश नहीं होने के कारण से इस गांव में गरीब लोगों के पास ठंडी के अंदर ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, वो सोच के स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया। उसके बाद इस गांव में 15 टन सुग्रास, यहां के आजू बाजू के पशुओं के लिए कुछ खाद्य नहीं होने के कारण से अहिंसा संघ के द्वारा 15 टन सुग्रास वितरण किया। उसके बाद यहां के करीबन 600 परिवारों को जो मांसाहारी थे, उन परिवारों को शाकाहारी बनवाने का बीड़ा अहिंसा संघ ने उठाया। उसके बाद यहां पे किसानों के पास अन्न खाने के लिए नहीं होने के बाद इस परिवारों को किराना राशन, 500 परिवारों को राशन वितरण का कार्यक्रम किया। उसके बाद यहाँ पे बरसात नहीं होने के कारण से ये लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो पानी वितरण का बीड़ा अहिंसा संघ ने उठाया। और उसके पश्चात यहाँ के आजू बाजू के 15 गांव के पशुओं को पास खाने के लिए चारा नहीं था, चारे का गुजारिश करने के लिए यहाँ पे 700 से 800 पशुओं की चारा छावनी चल रही है। ऐसे भगीरथ कार्यों को प्रेरणा देने वाले परम पूज्य श्री विनम्र सागर जी महाराज साहेब की गौ वंश की रक्षा हेतु अनेक आंदोलन में मुख्य भूमिका रही है। इस देश को 1947 के अंदर आजादी मिली ऐसे कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गाय की आजादी मिली, गौ माता को मारने की आजादी मिली या गौ माता को बचाने की आजादी मिली। एक तरफ ये सारा इलाका गर्मी से और भयंकर अकाल से त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ इस चारा छावनी से गौ माता अपने ही संतान के घर में रहते हैं वैसे सुरक्षित महसूस करते हैं। अहिंसा धर्म जीव दया ने
दिल मा धरे जो अहिंसा धरे मनो पालन करे जो जीव दयाने दिल मा धरे जो गौ माता रो रक्षण कर जो धर्म रो पालन करे जो जीव दयाने दिल मा धरे जो। एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था, गुजरते हुए उसको एक छोटे से बालक ने देखा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उसका अपना घर था। उसने उस भिखारी को अपने घर पे बुलाया कि बाबा मेरे घर से कुछ लेके जा। भिखारी उसके घर पे पहुंचा। वो लड़के ने रसोड़े के अंदर से कुछ सामान फफोसा, कुछ नहीं मिला, रोटियां मिली। उसने वो रोटियां भिखारी के हाथ में दी। भिखारी वहां से निकला और लगभग 3 मिनट के पश्चात उसकी माँ घर के अंदर आई। माँ ने डिब्बा खोला तो देखी सब रोटियां गायब थी। उसने बच्चे से पूछा कि बेटा ये रोटियां कहाँ गई, और बच्चे ने बताया कि मम्मी भिखारी आया था, मैंने उसको सब रोटियां दी थी। और जैसे मम्मी ने सुना कि बेटे ने सब रोटियां बच्चे भिखारी को दे दी है, माँ एकदम आग बबूली हो गई, जोर से 4 चाटे अपने बेटे को मार दिया। बेटा रोने लगा कि माँ मैंने क्या गलती करी कि भिखारी को रोटी दे दी। माँ ने उस वक्त बहुत बढ़िया जवाब दिया, बेटा तूने कभी बिना सब्जी रोटी खाई है? 5 मिनट से उस भिखारी को रोक नहीं सकता था, मैं घर पे आती, सब्जी बनाती और उस भिखारी को हम रोटी और सब्जी साथ में दे देते हैं। ये हमारी संस्कृति है, किसी भिखारी को अकेली रोटी नहीं, सब्जी और रोटी को साथ में देना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से अकाल की दुर्घटना बनी हुई है और अकाल के द्वारा किसान, पशु और पूरा मराठावाड़ा जिस तरीके से वो वेदना से झकझक रहा है, ये देखकर हृदय कांप उठता है। हम तो मुंबई में बैठे हुए थे, हमारे अहिंसा संघ के विविध कार्यकर्ता जो मराठावाड़ा के अंदर अलग अलग प्रकार के किसानों को राहत देने के कार्य, अहिंसा के प्रचार वगैरह के कार्य वहां पे ही करते रहते थे, और उनके द्वारा ये समाचार प्राप्त हुए कि दुष्काल की इस भयंकर पीड़ा से वहां का किसान और वहां का पशु तड़प रहा है, और उसको सुनकर हृदय द्रवित हो उठा। विविध जैन संघों के अंदर विविध दान दाताओं को प्रेरणा करी कि इस दुष्काल के अंदर किसानों को मदद करनी और पशुओं की रक्षा करनी ये हमारा परम कर्तव्य होता है, और सैकड़ों लोगों के हाथ जुड़े और एक छोटी सी शुरू की यात्रा ने आज एक विशाल स्वरूप ले लिया है। 250 पशु के कैंप से जो कैंप शुरू हुआ था, आज लगभग 850 पशुओं से भी ज्यादा पशु उस कैंप के अंदर, उस कैटल कैंप के अंदर, उस चारा छावनी के अंदर आज अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और भी हजारों पशुओं को ये अहिंसा संघ संभाल सकता है। सैकड़ों हाथ जुड़े और उन्होंने सैकड़ों पशुओं को संभाल लिया। आज मैं अपील करता हूं, आज मैं आह्वान करता हूं, सैकड़ों हाथों से अगर सैकड़ों पशुओं को संभाल सकते हैं तो अगर हजारों हाथ इसके अंदर जुड़ेंगे तो हजारों पशुओं को संभालने की क्षमता अहिंसा संघ के कार्यकर्ता रखते हैं। अगर लाखों हाथ जुड़ेंगे तो लाखों पशुओं को संभालने की क्षमता, लाखों किसानों को संभालने की क्षमता, उन किसानों को रोजी रोटी देनी है, उन पशुओं को घास चारा देना है, उन प्यासों तक पानी पहुंचाना है, और ये क्षमता अहिंसा संघ के कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। आज मैं आह्वान करता हूँ
जीव दया प्रेमी समाज को, अहिंसा प्रेमी समाज को, अनुकंपा प्रेमी समाज को, पूरे जैन समाज को कि आप जुड़िए इस महान कार्य के अंदर। हम लोग अगर रोज चार रोटी खुद खाते हैं तो कम से कम एक रोटी का निवाला तो किसान तक पहुंचा दे। रोज हम लोग मिठाई और फरसान आराम से आरोगते हैं, एक चारा का निवाला गाय के पेट तक पहुंचा दे। रोज ठंडा पानी पूरे दिन के अंदर कितना पीते और कितना बहाते हैं, कम से कम 2 घूंट पानी पशु के गले तक या तो किसान के गले तक पहुंचा दे। और इसी के लिए मैं आह्वान करता हूं पूरे समाज को तन मन और धन के द्वारा इस दुष्काल राहत कार्य के अंदर जुड़े। और आप लोगों का साथ मिला तो मैं इतना निश्चित कहना चाहूंगा, सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं, सिर्फ मराठवाड़ा का ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत का एक भी किसान भूखा नहीं सोएगा, भारत का एक भी पशु बिना चारा या बिना पानी का नहीं सो पाएगा। बस हम लोग हाथ से हाथ जोड़ते जाए, हाथ से हाथ बढ़ाते जाए तो निश्चित तौर पर इस दुष्काल के ऊपर मानवी का विजय होगा। दुष्काल की पीड़ा से एक भी पशु या एक भी किसान घायल नहीं होगा, ये पीड़ित नहीं होगा। और इन पीड़ितों को मुक्त करना यही अहिंसा प्रेमियों का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य आप बहुत अच्छे तरीके से निभाए, यही मंगल आशीर्वाद मंगल कामना।